ये हैं कमर मोहसिन शेख। ये पाकिस्तान मुल्क की महिला है जो अपनी शादी के बाद से गुजरात के अहमदाबाद में रह रही है। इस साल वो खुद पीएम मोदी को राखी बांधने के लिए गुजरात से दिल्ली आएंगी। इस राखी को कमर मोहसिन शेख ने खुद अपने हाथों से बनाया है। ये मैंने अपने हाथ से राखी बनाई है, सिलेक्ट नहीं की है, और आप देख सकते हैं उसके ऊपर मैंने अपने हाथ से सब मोती वगैरह और वो लगाया है। बीच में उसमें मैंने एक ऐसा नग लगाया कि उनको नज़र से दूर, मतलब बुरी नज़र से दूर रहें, और बस ये पूरी मैंने खुद बनाई है। ये राखी मैं देख सकती हूँ कि इसमें अपने लाल कलर जी रखा है, तो ये लाल कलर क्यों आपने स्पेशली? एक तो शक्ति के लिए होता है, फिर हमारी जितने भी शुभ काम होते हैं उसमें लाल रंग का यूज़ होता है, सिंदूर में होता है और चुनरी में होता है, दुपट्टे में होता है। तो मैं हमेशा ज़्यादातर मैं पसंद करती हूँ, और शक्ति की वजह से कि उनको और शक्ति मिले, उस वजह से मैं लाल ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे और कोई ज़्यादा इतना ठीक नहीं लगता कलर। देखिए, एक तो पहली बात ये कि कर्ता ऊपर वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी दुआएं कबूल होती हैं। पहले जब आरएसएस के वो कार्यकर्ता थे और पहली राखी बांधी थी, तब मैंने उनसे उनके लिए बहुत दुआ करती थी कि ये गुजरात के सीएम बने। तो ऊपर वाले ने चाहा, ऐसा हो गया, सीएम बन गए। फिर जब भी मैं राखी बांधने जाती थी, तब मैं कहती थी कि आप हिंदुस्तान के पीएम बने, तो हंसते थे, बोलते थे हाँ सारी तेरी दुआएं कबूल हो जाएंगी। तो फिर मैं बहुत, मुझे भी अच्छा लगता था, वो मजाक में इस तरह मुझे बोलते थे। तो आखिर एक वक्त आया कि वो पूरे हिंदुस्तान के पीएम बन गए। पूरे वर्ल्ड पे मैं दुआ करती थी कि वो राज करें, उनको लोग अच्छे नाम से याद करें, तो अभी पूरे वर्ल्ड में भी उनका नाम हो गया है। बस मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि भगवान उनको लंबी उम्र दे और खूब अच्छी सेहत के साथ वो जितना भी काम कर सकते हैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, जो कुछ भी कर सकते हैं, वो अच्छी सेहत के साथ करें और सभी लोगों का उनके हाथों से भला हो। मैं कई बार उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ, बुक्स का, और उनको पढ़ने का बहुत शौक है। अगर आप मुझे थोड़ा भी टाइम देंगे तो मैं बुक उनके लिए रखी है, राखी बांधूंगी, और उनको एक बुक जो है एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ी अच्छी लिखी हुई एक बुक है, तो वो मैं उनको गिफ्ट करूँगी इस पर। क्या रीज़न एग्रीकल्चर की गिफ्ट? वैसे वो उनको ये है ना कि आपने देखा होगा कि सब किसानों का और उनका सब अच्छा वो सोचते हैं, करते हैं उनके लिए।